अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो एक बार फिर से हमारे रैबिट ने बेबी दिए, लेकिन इस बार मेल रैबिट भी साथ ही है। पता नहीं, शायद कहीं बच्चों को मार ना दे, तो देखते हैं हम इसको कहीं अलग शिफ्ट करते हैं। तो बाकी फीमेल ने कल रात को ही बेबी दिए हैं शायद। तो बाकी इसका अब साइज़ देखो कितना कम हो गया है पहले की निस्बत। तो बाकी हम आपको बच्चे भी दिखाते हैं, काफ़ी प्यारे बच्चे हैं। तो दो तो वाइट है शायद, तो बाकी कुछ मैंने खुद अच्छे से नहीं देखे, और अब हम आपके सामने ही देखेंगे और साथ में आपको भी शो करवाएंगे। तो बाकी ये रखे दोनों, अच्छा ये है इसका बाप बच्चों का, और ये रही बच्चों की माँ। तो अब जब ये बच्चे देते हैं तब बिल्कुल भी फीमेल जो है नहीं डरती है। तो भागेगी अपने सिर्फ बच्चों के पास, सिर्फ खतरा इस मेल से है, कहीं ये मेल बच्चों को मार ही ना दे। क्योंकि मैंने सुना है अक्सर कि जो मेल होता है वो अपने बच्चों को मार देता है ताकि फीमेल फिर से जल्दी ब्रीडिंग पे आए और बच्चे दे के उसके ऊपर अपनी जो फर होती है वो सारी उतार के बच्चों के ऊपर रखी हुई है। बच्चे कुछ खेल नहीं रहे हैं, क्या पता जिंदा भी हैं या नहीं। हाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, तो मैं बाहर निकाल के एक बार आपको शो करवा ही देता हूँ। तो उसके बाद हम फिर दोबारा से इनको हाथ नहीं लगाएंगे। पहले हमने फीमेल को बाहर भेजा कहीं ये काट ना ले हमें, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब फीमेल काट भी देती है कभी कभी। तो इस बार इसने 5 बेबी दिए हैं, एक ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा फुल वाइट, और ये आगे लास्ट 5वां, ये भी फुल वाइट। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं, तो हम इन्हें ज़्यादा देर बाहर नहीं रखते हैं। ये तो बिल्कुल छोटा है, तो बाकी ये तकरीबन सभी सेम साइज़ के हैं, सिर्फ ये वाला बेबी जो सबसे छोटा है। तो बाकी सारे माशाल्लाह अभी एक्टिव हैं, तो देखते हैं पल भी सकते हैं या नहीं। तो मैं जल्दी से इनको वापस रखूँ क्योंकि ये बाहर थोड़े ठंडे हो रहे हैं।